वेलकम बैक। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, वजीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों की बहाली का मंसूबा अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर ने बहाल होने वाले हिस्सों का इफ्तिताह कर दिया है। बहाली प्रोग्राम आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के तआवुन से मुकम्मल हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में वजीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों की बहाली का मंसूबा तैयार। अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर ने बहाल होने वाले हिस्सों का इफ्तिताह कर दिया। बहाली प्रोग्राम में वजीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों में वाकया 17वीं सदी का मकबरा इमाम जामिन, 6 हुजरे और मरकजी पवेलियन समेत मस्जिद का जनूब मशरकी मीनार शामिल हैं। US काउंसिल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकिंस का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कल्चरल मजहबी मस्जिद में मौजूदगी पर बहुत खुश हूँ। 2002 से अब तक 32 कल्चरल मकामात की बहाली पर काम कर चुके हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। हम आगाज और लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर कल्चरल बहाली पर काम कर रहे हैं। Fifth preservation project that we have undertaken here at Wazir Khan, demonstrating the long-standing cultural and people-to-people partnership between our two countries. क्रिस्टन के हॉकिंस ने मजीद कहा कि एक माह से लाहौर में हूँ, बहुत अच्छा वक्त गुजार रही हूँ, खासकर यहाँ के खाने बेहतरीन हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी कर चुकी हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। लाहौर किले का भी दौरा किया, वहाँ बहाली प्रोग्राम देखकर खुशी हुई। US काउंसिल जनरल ने मस्जिद वजीर खान के बहाल होने वाले जुनूबी हिस्सों और स्टॉल्स का दौरा भी किया। वजीर खान मस्जिद के जनूबी हिस्सों की बहाली के मौके पर आगा खान ट्रस्ट के CEO ने और DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इफ्तिताही तकरीब के अहतमाम पर फोटो सेशन के साथ मेहमानों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वाजिद के साथ सुलेमान सद्दीक, न्यू न्यूज़ लाहौर।